प्राकृतिक खेती में देशी गाय पर आधारित अनेकों उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है जीवामृत। आइए सीखते हैं जीवामृत कैसे बनाएं। जीवामृत बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री बताई जा रही है तथा इसी के अनुसार सामग्री का उपयोग होना चाहिए। ध्यान रखें कि जीवामृत घोल छायादार स्थान पर ही बनाएं तथा घोल को सदैव घड़ी की सुई की दिशा में ही चलाएं। जीवामृत बनाने के लिए एक 220 लीटर क्षमता के ड्रम में लगभग 100 लीटर ताजा स्वच्छ पानी भर लें। अधिक कटे ड्रम में 10 किलोग्राम गोबर और पानी डालकर हाथों से अच्छी तरह मलकर स्लरी बना लें। गोबर का कोई ढेला न रह जाए, इसे बड़े ड्रम में डालकर बांस से चला दें। अब इसी ड्रम में 10 लीटर गौमूत्र डालकर पुनः चला दें। 1 किलोग्राम गुड़ को महीन करके एक बाल्टी में डालकर पानी में अच्छी तरह से घोल लें तथा इस घोल को जीवामृत बनाने वाले ड्रम में मिलाकर डंडे से चला दें। गुड़ उपलब्ध न होने पर 4 लीटर ताजा गन्ने का रस या 4-5 अच्छी तरह पके फलों का गूदा भी प्रयोग किया जा सकता है। अब 1 किलोग्राम बेसन को बाल्टी में घोल लें तथा इसे भी बड़े ड्रम में डालकर चला दें। बाल्टी में एक मुट्ठी बरगद या पीपल की जड़ के पास की मिट्टी को थोड़े से पानी में अच्छी तरह घोलकर बड़े ड्रम में डालकर चला दें। मिट्टी जीवित व नम तथा ऐसे स्थान की होनी चाहिए जहां कभी रसायन का प्रयोग न हुआ हो। अब ड्रम में पानी की मात्रा को बढ़ाकर पूरा 200 लीटर कर दें तथा 1 मिनट तक इसे घड़ी की सुई की दिशा में चलाएं। इसके बाद ड्रम को जूट की बोरी या सूती कपड़े से ढक दें। घोल को प्रतिदिन सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में 1 मिनट तक हल्के हाथों से चलाएं और ढक दें। जीवामृत गर्मियों के मौसम में लगभग 50 घंटे तथा सर्दियों में 100 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। ये जानना भी आवश्यक है कि जीवामृत का उपयोग कैसे करें। जीवामृत को सिंचाई जल के साथ भी दिया जा सकता है और इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। जीवामृत को टपक विधि से 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई जल के साथ उपयोग करें। छिड़काव के लिए जीवामृत को महीन सूती कपड़े से छान लें। इसका पहला छिड़काव फसल की बुवाई के 1 माह बाद 100 लीटर पानी में 5 लीटर जीवामृत मिलाकर करें। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन बाद 150 लीटर पानी में 10 लीटर जीवामृत मिलाकर करें। तीसरा और चौथा छिड़काव पूर्व के छिड़काव के 21-21 दिन के बाद 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत मिलाकर करें। आखिरी छिड़काव फसल में दाने की दुग्धावस्था पर 200 लीटर पानी में 5-10 लीटर खट्टी छाछ तथा मट्ठे के साथ करें। मट्ठा 3-5 दिन पुराना होना चाहिए। जीवामृत के प्रयोग से मृदा के जैविक स्वास्थ्य स्तर में सुधार आता है तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है।